गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं संजय पांडे केमिस्ट्री टीचर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, इस सत्र में COVID-19 कोरोना वायरस के कारण कक्षा 12 का सिलेबस में 30% कट ऑफ किया गया है बच्चों। तो आपके लिए मैं थोड़ा सा सोचा की जानकारी आपको दे देता हूँ, क्योंकि 30% जो आपका डिस्कनेक्ट हुआ है, आपके सिलेबस से कम हुआ है, वह कौन सा है, तो थोड़ा 2 मिनट के बारे में आपको जानकारी देंगे। इसके बाद अपने टॉपिक में आएंगे बच्चों, तो थोड़ा आप जानकारी दीजिए, क्योंकि जो आपको पढ़ाया गया है वो आप यह मत सोचिएगा कि मेरा पढ़ा हुआ निरर्थक हो गया, यानी मेरा पढ़ा हुआ नुकसान हो गया, लॉस हो चुका है। वह लॉस नहीं है, आप एक्यूरेट हैं, आपका जो पढ़ाया गया है सिलेबस पूर्ण रूप से वह सही है। 1-4 यानी फिजिकल केमिस्ट्री का 1-4 तक आपका चैप्टर कंप्लीट करवा दिया गया है। इसमें से थोड़े थोड़े पॉइंट हटे हुए हैं, तो वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे चुंबकीय अनचुंबकीय पहले चैप्टर हट गया था, ठीक है, तो कहने का मतलब क्या होगा, थोड़ा पॉइंट हट गए हैं। 3 चैप्टर आपके इस केमिस्ट्री से हटाया गया है, और वह 3 चैप्टर कौन कौन से बच्चों, आपका 6 चैप्टर है, 6 चैप्टर के बाद आपका क्या 15 और 16 दैनिक जीवन में रसायन, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, आपका पॉलीमर और धातु निष्कर्षण के सिद्धांत, यानी 6 चैप्टर। इन 6, 15 और 16 चैप्टर आपके सिलेबस से हटा दिया गया है इस COVID-19 के कारण। ये कोविड-19 का जो कोरोना वायरस है, इसके कारण जो 30% आपका हटाया गया है, सिर्फ 30 में 3 चैप्टर, तो आपके पास टोटल 16 चैप्टर थे। 16 में आपका 6 नंबर गायब हो गया है, 15 नंबर गायब हो गया है और 16 नंबर गायब हो गया, यानी 3 चैप्टर पूरी तरह से कम आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो अपन लोग क्या करेंगे बच्चों, इसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन आप विशेष ध्यान देंगे फिजिकल केमिस्ट्री जो आपकी थी वो कंप्लीट करा दिया गया है, 1 चैप्टर अभी बाकी है उसमें से। इसके बाद मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहा हूँ, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला ही पॉइंट है हेलो एल्केन और हेलोरिन, जिनमें से आपको 2 वीडियो आपको मिल चुके हैं। जिसका इंतजार था वही स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रियाएँ क्या होती हैं उसके बारे में आपको दूंगा बच्चों, तो आप अच्छे से पढ़ें, समझें और उसे सरल ढंग से मैं आपको कोशिश करूंगा समझाने की, क्योंकि ये ट्रिक के माध्यम से अगर रासायनिक अभिक्रिया बताई जाती है तो वो हमेशा के लिए बनती है। बच्चों उसे याद नहीं कर रहा है इतिहास की तरह कि बार बार उसे याद करें, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपको समझाने की 100% कोशिश करूँगा, ठीक है बच्चों। COVID-19 के कारण यदि आप स्कूल नहीं जा पा रहे हैं तो निश्चित रूप से घर में रहें, स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, और मैं आपसे सिर्फ एक ही निवेदन है कि आप वीडियो को देखें, पढ़ें और समझें। यदि आपके समझ में नहीं आता है तो निश्चित रूप से कमेंट कीजिए, आपके क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, कुछ आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कीजिए। तो मैं स्टार्ट करता हूँ अपने सिलेबस में। सिलेबस में हमारा क्या है बच्चों, आज की जो रासायनिक अभिक्रिया होगी वोल्टेज फिटिंग रिएक्शन है। वोल्टेज फिटिंग रिएक्शन में क्या पढ़ेंगे, क्योंकि इससे पहले हम लोग वोल्टेज अभिक्रिया पढ़े हैं। वोल्टेज अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड की क्रिया हो रही थी सोडियम के साथ, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे एल्किल हैलाइड के स्थान पर हम क्या यूज करेंगे बच्चों, एक एल्किल हैलाइड यूज करेंगे और एक बेंजिल एरोमेटिक बेंजिल, ठीक है, मतलब एनिलीन क्लोरोबेंजिन का उपयोग किया जाता है इसमें, एरोमेटिक कंपाउंड है। तो कहने का मतलब एक एलिफैटिक और एक एरोमेटिक के साथ क्रिया कराएंगे तो बन जाएगा हमारा टॉलइन, और हमारा ये क्या है, वोल्टेज फिटिंग रिएक्शन है बच्चों, याद रखिएगा। क्योंकि आप इसके पहले मैं आपको दूसरा रिलेशन बताऊंगा, आपने जब वोल्टेज अभिक्रिया पढ़ रहा था तो क्या क्या कर रहे थे, एथिल एल्किल हैलाइड मतलब होगा C2H5Cl+ आपका सोडियम के साथ क्रिया हो रही थी, तो यानी इसको 2 और ले लिया था, और मैं यहाँ पे जब गायब कर दिया था तो क्या बना था बच्चों, C2H5+ NaCl, कितने 2, लेकिन सेम टू सेम यहाँ पे जो 2 कंपाउंड हम ले रहे हैं क्या,
एथिल क्लोराइड का, एल्किल हैलाइड का, हाँ तो इनमें से हम क्या लेंगे, एक एलिफैटिक वाला कंपाउंड लेंगे, दूसरा एरोमेटिक का लेंगे और सोडियम के साथ अभिक्रिया करा देंगे तो बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा बच्चों, टॉलुइन। देखिए कैसे, ये क्या है, क्लोरोबेंजीन है, क्या बच्चों, क्लोरोबेंजीन। फिर क्या होगा, सोडियम, यानी फिर क्या होगा, एक और कोई ना कोई क्या होगा, एल्किल हैलाइड के रूप में ले लेंगे और इसका नाम है CH3Cl। किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्या करेंगे बच्चों, अभिक्रिया कराई जाती है और शुष्क ईथर में जैसे भी क्रिया कराते हैं बच्चों, तो देखिए क्या होता है, यहां से क्लोरीन ये गायब कर देंगे और ये CH3 आकर यहाँ पे जुड़ जाएगा तो आपके पास क्या क्या बचा, एक Cl बचेगा, एक दो ठो Na बचेंगे और एक Cl बचेगा, मतलब कितने Cl हो गए, दो Cl दो Na को ले लेंगे तो निश्चित रूप से रासायनिक क्या क्या बन जाएगा बच्चों, देखिए यहाँ पे हो जाएगा CH3 और जो आपका बच रहा है तो Na Cl2 क्यों लगा दिया, क्योंकि दो Na है दो Cl, ये रासायनिक क्या हो गई आपकी, ये कौन सी अभिक्रिया है, वुटेज-शिटिंग रिएक्शन, ये कौन सी अभिक्रिया है, वुटेज रिएक्शन। दोनों में अंतर क्या दिख रहा है, यहाँ पे एल्किल हैलाइड दो अणु ले रहे हैं सोडियम के साथ क्रिया करा रहे हैं तो कोई एल्केन बनता है, यहाँ पे एक एलिफैटिक और एक एरोमेटिक ले रहे हैं, देखिए ये CH3Cl हमारा एलिफैटिक कंपाउंड है और क्लोरोबेंजीन हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है, दोनों आपस में क्रिया करके सोडियम के साथ क्रिया करते हैं तो क्या बन जाता है, टॉलुइन। समझ में आया बच्चों, बहुत अच्छा। चलिए अब इसकी हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं, हैलो एरिन का मतलब क्या, एरोमेटिक हमारा कंपाउंड है, देखिए अब इसको स्टार्ट करते हैं, हैलो एरिन क्या है, तो डिफिनेशन चलो लिखो बच्चों, स्टार्ट करिए डिफिनेशन लिखना, अपने से लिखना है, कोई कठिन रिएक्शन नहीं है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करिए, क्या लिखेंगे, मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था ये आपका हैलो एरिन है, ये आपका हैलो एल्केन है, ये सोडियम है शुष्क ईथर की उपस्थिति में, पहली कंडीशन ये होगी इसकी उपस्थिति में इनके साथ और ये बनने वाला है प्रोडक्ट, चार नंबर, इनकी क्रिया दोनों की क्रिया इनके साथ होगी, देखिए क्या लिखते हैं, जब क्लोरोबेंजीन को शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब क्लोरोबेंजीन को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम और मेथिल क्लोराइड के साथ जब क्लोरोबेंजीन को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम और मेथिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो टॉलुइन बनता है,
इस अभिक्रिया को वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। जब क्लोरोबेंजीन को, ये हमारा क्लोरोबेंजीन, शुष्क ईथर की प्रकृति में सोडियम और मिथिल क्लोराइड, सोडियम ये है, मिथिल क्लोराइड ये, सोडियम और मिथिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है बच्चों, टॉलइन बनता है। और इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। इसे क्या बोला जाता है बच्चों, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम तो जानते ही हैं, ये क्या है बच्चों, सोडियम मेथिल क्लोराइड है, ये मेथिल क्लोराइड। इसको क्या बोलते हैं, टॉलइन। टॉलइन आपको मैं बहुत सारे सूत्र बताया हूं, यदि बेंजीन की ऊपर CH3 जुड़ा रहता है तो इसको टॉलइन बोलते हैं, यदि बेंजीन के ऊपर Cl जुड़ा रहेगा तो क्लोरोबेंजीन बोलेंगे, यदि बेंजीन के ऊपर Br जुड़ा रहेगा तो ब्रोमोबेंजीन बोलेंगे, और यदि बेंजीन के ऊपर NO2 जुड़ा रहे तो नाइट्रोबेंजीन कहते हैं बच्चों। थोड़ा बेसिक आप पढ़िएगा, क्योंकि जब तक आप बेसिक नहीं पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से रासायनिक क्रिया उतना जल्दी से आसान नहीं समझ में आ पाएगी। कैसा है, समझ में आ गई रासायनिक क्रिया, बन जाएगी, कुछ कमेंट करना है आपको। इसके बाद इसमें एक और रिएक्शन होती है बच्चों, इस अभिक्रिया में एथेन और डाइफेनिल अपशिष्ट पदार्थों के रूप में बनते हैं, एथेन और डाइफेनिल अपशिष्ट पदार्थों के रूप में बनते हैं। फिटिंग अभिक्रिया द्वारा डाइफेनिल बनता है, यानी फिटिंग अभिक्रिया के द्वारा क्या बनता है बच्चों, डाइफेनिल भी बनता है। तो यह कंडीशन कैसे होगी, जब हम दोनों क्लोरोबेंजीन का उपयोग कर लेंगे, क्या करेंगे, दोनों क्लोरोबेंजीन का उपयोग कर लेंगे तो डाइफेनिल बन जाएगा बच्चों। देखिए कैसे डाइफेनिल, क्लोरोबेंजीन का देखिए, ये आपका क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन की क्रिया सोडियम के साथ ही कराना है, और ये भी आपका क्लोरोबेंजीन है। या तो आप डायरेक्ट पहले ही दो लगा दीजिए यहाँ पे, और या तो आप, मैं दो बार 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 लिख दिया, ये क्लोरोबेंजीन दोनों हैं, और ये आपके क्या होंगे बच्चों, दोनों क्लोरोबेंजीन अभिक्रिया करेंगे सोडियम के साथ तो बन जाता है डाइफेनिल। डाइफेनिल का मतलब क्या होगा, दो बेंजीन आपस में जब जुड़े रहते हैं उनका नाम हो जाता है डाई, और दो हैं इस कारण से क्या होगा, डाई बोलेंगे, और ये फेनिल समूह के रूप में, ये देखिए इनका नाम है डाई फेनिल। प्लस बचा क्या, यहाँ पे देखिए क्लोरीन ये रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन ये गायब हो जाएगा, और सोडियम के साथ जुड़ जाएंगे, देखिए कैसे जुड़ रहे हैं ये, और आपका ये रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा बच्चों। और यह रासायनिक अभिक्रिया मिलकर के क्या बन गया, यानी Cl, कितने NaCl, 2 NaCl। देख लीजिए यहाँ से क्लोरीन गायब हुआ बच्चों, क्लोरीन गायब होने के बाद ये सोडियम को लेकर के ये रासायनिक अभिक्रिया करा दिया, और इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया क्या बन गई, ये देखिए डाइफेनिल का निर्माण हो गया। इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फिटिंग अभिक्रिया। इन्होंने कह रहे हैं कि फिटिंग अभिक्रिया जो होती है वह डाइफेनिल का निर्माण करते, तो मैंने देखिए डाइफेनिल का निर्माण कर दिया, ठीक है, बन जाएगा डाइफेनिल। मैं आपके कहाँ से बने हैं बच्चों, याद रखिएगा उल्मान रिएक्शन में आपको बता चुका हूँ, उल्मान रिएक्शन में भी डाइफेनिल बना है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया बन जाएगी आपकी, अंतर सिर्फ ये है वोल्टेज अभिक्रिया और वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया में, वोल्टेज अभिक्रिया में दोनों कंपाउंड एलिफैटिक यूज होते थे, लेकिन वोल्टेज फिटिंग रिएक्शन में दोनों कंपाउंड में से दोनों अलग अलग कंपाउंड, एक एल्किल कंपाउंड रहेगा और एक एरिल रहेगा, इसको बोलते हैं हेलो एरिन, इसको बोलते हैं हेलो एल्केन, ठीक है। तो ये आपकी रासायनिक अभिक्रिया हो गई,
और आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट रासायनिक यौगिक पढ़ते हैं बच्चों, बन जाएगा ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मकों का बनना। ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक कैसे बनता है बच्चों, चलिए विचार करते हैं। बन जाएगी रासायनिक अभिक्रिया, आप बच्चों कमेंट कीजिएगा, निश्चित रूप से आपके क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा, क्योंकि यदि आप कमेंट्स नहीं करेंगे तो मेरे को कैसे पता हो जाएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं। तो बच्चों थोड़ा सा इस पर विशेष ध्यान देंगे, ये मैं रासायनिक अभिक्रिया एक ट्रिक के माध्यम से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा इस प्रकार की ट्रिक। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, उस ट्रिक के माध्यम से आप पढ़िए समझिए, निश्चित रूप से 100% आप क्लियर रहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट होता है ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मकों का बनना। ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मकों का बनना, यानी ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक कैसे बनाया जाता है। ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक को बच्चों क्या बोलते हैं, RMGX बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, यही है ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक। RMGX को कैसे बनाना है चलिए उसको देखते हैं, ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक है क्या, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप याद रखिएगा बच्चों, ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक कैसे अभिक्रिया करता है, तो ब्रोमो या आइडोबेंजीन को शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम के साथ कराते हैं। ब्रोमो या आइडोबेंजीन को, चाहे ब्रोमो बेंजीन ले लीजिए और चाहे आप आइडोबेंजीन ले लीजिए, ये आपका क्या है बच्चों, ब्रोमो बेंजीन है। ब्रोमो बेंजीन की क्रिया किसके साथ, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर, ब्रोमो बेंजीन की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्या बनाना है, मुझे मैग्नीशियम हैलाइड बनाना था, मेरे पास तो एक R और X तो निकल गया है, एक बचा क्या अभी, MG, यानी मैग्नीशियम के पास कराएगा। बच्चों दिमाग लगा लीजिएगा, MG क्या है, मैग्नीशियम है। तो जब ब्रोमो बेंजीन को मैग्नीशियम की साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है, RMGX बनता है बच्चों। तो याद रखिएगा RMGX को क्या बोलते हैं, ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक। ये देखिए ये आपका हो गया MGBR, ये आपका M कैपिटल, याद रखना ठीक है बच्चों। कैसे हो जाएगा, इसको हम OR करके लिख सकते हैं, देखिए ये आपका क्या होगा, C6H5MGBR भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसका नाम क्या होगा, लिख दीजिए फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, क्या नाम होगा, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये क्या है, वही फार्मूला है, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को पूत्र लिखा हुआ है। ये क्या है बच्चों, मैग्नीशियम, ये क्या है, ब्रोमो बेंजीन, जब ब्रोमो बेंजीन की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है, ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक, यानी फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड या ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक, इसे क्या कहते हैं, ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक। कैसा है बच्चों बताइए, अच्छा समझ में आ रहा है, रिएक्शन समझ में आ रही है। आपको सिर्फ एक प्रॉब्लम होती होगी, क्योंकि आप भले ही कमेंट ना करें, मैं निश्चित रूप से आपके मतलब माइंड की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कमी किसकी होती होगी, सिर्फ फार्मूले की, फार्मूला उसके लिए आपको याद करना पड़ेगा बच्चों। फार्मूला के लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और वह उसमें क्या होगा कि बेसिक केमिस्ट्री के बारे में थोड़ी जानकारी दूंगा, क्योंकि
बेंजीन क्या है, फिनाल क्या है, ठीक है, एरोमेटिक क्या है, रिफेलिंग क्या है, तो थोड़ा कम से कम इसके बारे में हम आपको वीडियो बताएंगे तो आप हो सकता है और अच्छे समझ पाए। जब तक ये नहीं है तो आप इसको थोड़ा देखिए, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन है बच्चों, इसको बोलते हैं नैम रिएक्शन। नैम रिएक्शन में निश्चित रूप से पेपर में आती है पेपर आपके, और यहीं से क्या होता है जब भी क्वेश्चन बनता है, क्या होता है जब, मैं देखिए क्वेश्चन बता रहा हूं, क्या होता है जब ब्रोमो बेंजीन की क्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ कराई जाती है, क्या बनेगा, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ग्रिगनार्ड अभिकर्मक बनेगा। दूसरा टाइप का कैसे पेपर पूछा जाएगा आपके, इसकी क्रिया इसके साथ लिख देगा और एरो का चिन्ह बना करके यहाँ पे छोड़ दिया जाएगा। पांच नंबर के ऐसे क्वेश्चन आते हैं, यानी अभिकारक लिख दिया जाएगा, उत्पाद उपस्थिति में रहेगी, आपको उत्पाद बनाना पड़ेगा, तो ऐसे भी पेपर में आते हैं बच्चों, तो याद रखिएगा पांच नंबर में क्या होता है जब पूछा जाएगा, और पांच नंबर में क्या पूछा जाएगा, रिम्न रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए, तो ऐसे ही क्वेश्चन मिलेगा बच्चों, ठीक है, बन जाएगा ये। तो इसकी चलिए परिभाषा लिख लीजिए, परिभाषा क्या लिखेंगे, जब ब्रोमो बेंजीन को, जब ब्रोमो बेंजीन को, बताइए आप लोग बताइए, शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम मैग्नीशियम धातु के साथ कराई जाती है तो जब ब्रोमो बेंजीन को शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया की जाती है तो RMGX या फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनता है, इसे ग्रिगनार्ड अभिकर्मक कहा जाता है। ये आपको अपने से लिखना है बच्चों, ठीक है, इस रासायनिक अभिक्रिया को आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जो रासायनिक अभिक्रिया बन जाएगी तो आपसे ये बन जाएगा, अगर ये बन जाएगा तो ये बन जाएगा, यानी डिफिनेशन के आधार पर मैं परिभाषा लिखूंगा, उसकी केमिकल रिएक्शन लिखता हूँ, अब केमिकल रिएक्शन के आधार पर क्या होगा, डिफिनेशन। तो बच्चों एक दूसरे से सेम है, देखिए है कुछ नहीं, इसकी क्रिया किसकी क्रिया, ब्रोमो बेंजीन क्रिया किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, फिर मैग्नीशियम धातु के साथ कराई जाती है तो क्या बनता है, चौथा नंबर उत्पाद। चार पॉइंट आप कभी नहीं भूलेंगे, आप फिर रासायनिक अभिक्रिया कभी भी नहीं भूलेगी, हमेशा के लिए याद रहेगी बच्चों। चलिए तो ये बन जाएगा आपको, एक रासायनिक अभिक्रिया आपकी और है, इसको भी चलिए कंप्लीट कर देते हैं इसी में, अपचयन। अपचयन का नाम सुना है आपने, कभी कभी यह प्रश्न पूछा गया था, इसको मिटा दूं, ओके, अपचयन का नाम सुना है आपने, अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन और अपचयन, ऑक्सीकरण और अपचयन यानी रिडक्शन लिखा होता है तो समझ जाइए कि निश्चित रूप से हाइड्रोजन के साथ क्या होगी, क्रिया होगी, और हाइड्रोजन के साथ क्रिया होगी इसका मतलब क्या होगा, अपचयन हो रहा है, ठीक है। चलिए हम थोड़ा अपचयन के बारे में यहाँ बात करते हैं, अपचयन है क्या, अपचयन, अपचयन का मतलब क्या होगा, रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब देखिए कैसे होता है, इंग्लिश वर्ड होता है, अपचयन में हाइड्रोजन का योग होता है, इतना आप याद रखिएगा। तो चलिए
आपसे क्वेश्चन किया रहा है क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया, क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्या करते हैं, निकिल एल्यूमिनियम या क्षार की उपस्थिति में। निकिल का मतलब क्या होगा, एनाइन, एल का मतलब एल्यूमिनियम, क्षार का मतलब एनाइन। पेपर में ऐसे ही पूछा गया था और यहाँ पे आपको क्या लिख दूं, मान के लिए कुछ नहीं लिखेंगे, आप बताइए, ये जगह खाली है और यहाँ पे बनाना है। मतलब क्लोरोबेंजीन की क्रिया इनके उपस्थिति में किसके साथ कराऊं तो क्या बन जाए, ठीक है। तो आपका हेडिंग क्या लिखा हुआ है, अपचयन, तो थोड़ा माइंड का उपयोग करना है बच्चों, ठीक है। इसमें आप माइंड का उपयोग करेंगे तो देखिए क्या हुआ है, सिर्फ क्लोरोबेंजीन है, निकिल हो या एल्यूमिनियम हो या क्षार हो, यदि इनकी प्रेजेंस है, यदि इनकी प्रेजेंस है तो निश्चित रूप से समझ जाना है कि अपचयन हो रहा है, और अपचयन हो रहा है रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सा एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, रिडक्शन हो रहा है। तो इसके लिए आप क्या करिए, एच का उपयोग करिए बच्चों, और यहाँ पे मैंने क्या किया, 2H का उपयोग किया, और 2H में से क्या करूँगा, यदि मैं यहाँ से क्लोरीन को गायब करता हूँ तो निश्चित रूप से इस स्थान से जगह एक खाली हो जाएगा, खाली होगा कि नहीं होगा, देखिए क्या हुआ है, ये आपका क्या था, क्या है, बेंजीन। यदि मान लीजिए हमको कुछ इसमें ऐड करेंगे, किसी को ऐड करेंगे, तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ सभी जगह हाइड्रोजन है बच्चों, अब बेसिक तो आप जानते होंगे थोड़ा बहुत, सभी जगह हाइड्रोजन है। यदि मान लीजिए हमको क्लोरीन को इसमें बैठाना है तो क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन को यहाँ पे गायब करेंगे और यहाँ पे क्या लगा देंगे, Cl, तो क्या बन जाता है, क्लोरोबेंजीन। अब मान लीजिए इस स्थान से हम क्लोरीन हटा देंगे तो एक जगह खाली हो जाएगी ना, जैसे वो जगह खाली होगी तो कोई हाइड्रोजन आकर यहाँ पे बैठ जाएगा और बन जाएगा, क्या बन जाएगा, बेंजीन, और वह क्लोरीन किसी के साथ अभिक्रिया कर लेगा, तो उसी को बोलते हैं अपचयन, ठीक बच्चों, समझ में आ गया थोड़ा बहुत, देखिए कैसे हुआ है। तो ये हमारा यहाँ पे क्लोरीन यहाँ से गायब होगा, और जैसे ही क्लोरीन गायब होता है तो यहाँ पे कुछ नहीं जुड़ता है बच्चों, और एक ये Cl और एक ये H क्या बनाएगा, HCl रचना करेगा और यहाँ से H आकर बैठ जाएगा, यानी क्लोरीन यहाँ से जैसे ही गायब होगा अलग हो जाएगा तो H यहाँ पे एक बैठ जाएगा तो बन जाएगा बच्चों बेंजीन, बेंजीन बन जाएगा और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अलग हो जाएगा, इसका नाम क्या होगा, क्लोरोबेंजीन। ये पेपर में आ चुका है, जब क्लोरोबेंजीन को निकिल अथवा एल्यूमिनियम या क्षार की उपस्थिति में अपचयन कराया जाता है तो क्या बनता है, क्या बनता है बच्चों, बेंजीन बनता है, ये देख लीजिए इसका सूत्र क्या होगा, C6H6, ठीक है। तो परिभाषा चलिए लिखिए, परिभाषा कैसे लिखेंगे, जब पेपर में कैसे बनता है, जब क्लोरोबेंजीन को निकिल एल्यूमिनियम या क्षार की उपस्थिति में अपचयित या अपचयन लिख दीजिए, अपचयन किया जाता है तो बेंजीन बनता है, क्या बनता है बच्चों, बेंजीन बनता है, क्यों, क्योंकि आपके सामने देखिए ये रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पे ऐसे पूछी गई थी, तो उसको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। जब अपचयन का मतलब हुआ है हाइड्रोजन के साथ क्रिया,
हाइड्रोजन का मतलब क्या हुआ, एच देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, और हाइड्रोजन अगर क्रिया करता है तो निश्चित रूप से हाइड्रोजन के साथ क्रिया नहीं कराई जाती बल्कि अपचयन ही कराया जाता है। तो जब क्लोरोबेंजीन को निकिल या एल्यूमिनियम या क्षार की उपस्थिति में क्या कराया जाता है, अपचयन कराया जाता है, तो क्या बनता है, बेंजीन। ये देखिए क्या हुआ, निकिल एल्यूमिनियम मिश्र धातु द्वारा क्षारों की उपस्थिति में हेलोएरिन अपचयित हो करके हाइड्रोकार्बन देते हैं। क्या देते हैं, ये जो आपका बेंजीन बना है इस बेंजीन को क्या नाम है, हाइड्रोकार्बन, क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर ही बना होता है, हाइड्रोकार्बन। याद रखिएगा बच्चों, ये हाइड्रोकार्बन यही है बेंजीन, या बेंजीन को क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो ये आपकी रासायनिक अभिक्रिया हो गई बच्चों। इसके बाद देखिए, चलिए तो समझ में आ गया बच्चों कैसा है ये लगा आपको, क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया जो है बहुत ही कठिन रासायनिक अभिक्रिया होती है और बहुत ही सरल होती है। यदि आपके समझ में आ गया तो निश्चित रूप से आपके लिए क्या होगा, लेफ्ट हैंड राइट हाथ मतलब दाएं हाथ का क्या हो बच्चों, बाएं हाथ का खेल, जो आपको बोलते हैं कि नहीं रे हमसे तो रासायनिक अभिक्रिया बनने लगी है। कब बनेगी, जब आपसे सूत्र बनेगा, और सूत्र कब बनेगा, बेसिक आपके बनेगा, यानी बेसिक आपसे बनता है तो क्या होगा, ये रासायनिक अभिक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सरल तरीकों से आपकी समझ में आ जाएगी। इसी प्रकार से और लॉजिक के माध्यम से मैं आपको बताता रहूंगा कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे किया जाता है और किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया करेंगे तो आपको ये आसान बन जाएगी, क्योंकि हम यहाँ पे रटाएंगे नहीं बच्चों, आपको हम याद नहीं करवाएंगे बच्चों। यदि आपको मैं ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगा तो ट्रिक के माध्यम से यदि आप समझ जाएंगे तो और आसान हो जाएगा। ये हमारा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, यानी यदि इनकी उपस्थिति है तो समझ जाइए कि हाइड्रोजन की तरह क्या हो रहा है बच्चों, अपचयन हो रहा है। चलिए इस रिएक्शन में हम लोग इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा, वोटर स्पिटिंग रिएक्शन और ग्रिग्नार्ड एंटरमस का बनना और अपचयन, तीन रासायनिक अभिक्रिया इसमें पढ़ा। आप अच्छे से इसको देखिए, समझिए, अच्छा लगे तो अपने मित्रों को भी सेंड कीजिए। गुड डे, ओके।